बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन रजा भट्टी और नंबर सिस्टम की नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था। नंबर सिस्टम के अलावा एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना देखा था। हमने दो किस्म की वैल्यूज जो है उनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया था। लास्ट टाइम हमने एक तो ऑक्टल वैल्यू को और बाइनरी को हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, और उसका मैंने बताया था कि तीनों के लिए हम एक ही प्रोसीजर करते हैं, वो मल्टीप्लाई करने वाला। उसके बाद हम डेसिमल को ऑक्टल में, फिर डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था। उन तीनों वैल्यूज के लिए हमें एक ही प्रोसेस करना पड़ता है, फैक्टराइजेशन वाला। लेकिन हम डेसिमल जब हमारे पास वैल्यू हो उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना, तो हम उसके फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि ऑक्टल की बेस 8 होती है। 8 के साथ बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो उसके फैक्टराइजेशन करेंगे 2 के साथ, क्योंकि बाइनरी की बेस 2 होती है। इसी तरह जब हम डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में, तो उसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे 16 के साथ, क्योंकि हेक्साडेसिमल की बेस जो होती है वो 16 होती है। आज के लेक्चर में हम करेंगे बाइनरी वैल्यू को ऑक्टल में और ऑक्टल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हमारे पास बाइनरी वैल्यू वो होती है जिसमें बेस उसकी 2 होती है, उसमें 0 से लेकर 1 तक डिजिट आते हैं, और हमारे पास ऑक्टल वैल्यू जो होती है उसकी बेस 8 होती है, उसमें 0 से लेकर 7 तक डिजिट आते हैं। आज हम करेंगे, हमारे पास वैल्यूज कुछ इस तरह दी गई होगी, हम उनको इस शक्ल में लेके आएंगे, फिर बाद में वैल्यू हमारे पास इस शक्ल में होगी उसको हम इस चक्र में लेके आएंगे। हम जरा एक वैल्यू ले लेते हैं, हमारे पास ये एक वैल्यू है ऑक्टल में 2546, ये हमारे पास ऑक्टल में वैल्यू है, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमारे पास एक टेबल दिया होता है, हम टेबल से इसकी वैल्यूज देखकर लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यू ऑक्टल में जो है वो 2 होगी, उसकी बाइनरी जो है वो ये होगी। ऐसे ही हमारे पास जो 5 होगी उसकी बाइनरी वैल्यू ये होगी। तो ऑक्टल में हमारे पास जो कि बेस 8 होती है, उसमें 0 से लेकर 7 तक डिजिट आते हैं, तो हर डिजिट की अलहदा अलहदा से हमारे पास ऑक्टल बाइनरी वैल्यू दी हुई है। हम इस वैल्यूज की जगह पर उनकी ये बाइनरी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास जब हमारा नंबर जब बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 है, उसके हमारे पास जो बाइनरी वैल्यू है वो ये वाली है 010। इसी तरह हमारे पास 5 है, तो 5 की हमारे पास बाइनरी वैल्यू होती है 101। इसी तरह 3 है, 3 की हमारे पास बाइनरी वैल्यू होती है 011। और इसी तरह 6 की हमारे पास वैल्यू होती है 110। इसी तरह जब हम इनकी जगह पर इनकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो सबसे पहले 02 की जगह पे 010, इसी तरह 5 की जगह पे 101, 3 की जगह पे 011 और 6 की जगह पे 110, और बेस हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये टेबल की मदद से हमारे ये जो ऑक्टल वाली वैल्यू थी ये बड़ी ही आसानी के साथ बाइनरी में कन्वर्ट होगी। उसके लिए हमें इस टेबल का याद होना बहुत ज़रूरी है, कि हमें ये याद हो कि ऑक्टल वैल्यू को बाइनरी में क्या कहते हैं, 1 को बाइनरी में क्या कहते हैं, 2 को बाइनरी में क्या कहते हैं। टेबल याद करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, इसलिए इसके लिए मैंने एक शॉर्ट मेथड बनाया है। उस शॉर्ट मेथड में हम ये क्या करते हैं कि 1 2 4 लिख लेते हैं एक जगह पे, 1 2 4 इस तरह से। हम 1 2 4 लिख लेते हैं। अब हमने जिस भी वैल्यू को बनाना हो, फॉर एग्जाम्पल हमने 2 बनाना है, हमारे पास 2 वैल्यू है, हमें ये टेबल नहीं याद, तो 2 को बाइनरी में क्या कहते हैं ये भी हमें नहीं याद, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना एक तरीका तो हमने पहले बता दिया, लेकिन ये जरा उससे भी आसान है। जब ये तीनों नंबर हमारे दिमाग में होंगे, तो फिर हमें इन चीज़ों को ज़रा कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो 2 की हमने बाइनरी वैल्यू मालूम करनी हो तो कैसे मालूम करेंगे,
बड़े ही आसान तरीके से हमने इन नंबर्स में से 1, 2, 4 लिख लिया हमने। तो जिन जिन नंबर्स को ऐड करने से हमारे पास 2 बनेगा, उन नीचे हम 1 लगा देंगे, बाकी के नीचे हम 0 लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल जब हमने 2 बनाना हो, 2 के लिए हमें किसी 2 वैल्यूज को ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास 2 है ये अकेला ही 2 है, इसलिए हम इसको किसी के साथ ऐड नहीं करेंगे। तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, बाकी दोनों के नीचे क्या आ जाएगा जी, 0 और 0। तो इसी तरह हमारे पास 2 की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, 0 1 0। और आप यहाँ भी दे सकते हैं कि 2 की वैल्यू हमारे पास 0 1 और 0 है। इसी तरह हमारे पास अगली वैल्यू हमारे पास 5 है। तो 5 कैसे बनाएंगे, तो किन किन दो नंबर्स को इन दोनों में से जमा करें तो हमारे पास 5 बन जाएगा। तो 4 और 1 को हम ऐड करें तो 5 बन जाता है। तो 4 के नीचे भी 1 आ जाएगा, इसी तरह 1 के नीचे भी 1 आ जाएगा। 4 प्लस 1 5 होता है, हम 5 की वैल्यू मूव कर रहे हैं तो 4 के नीचे भी 1 आ गया और बाकी नीचे भी 1 आ गया, बाकी नीचे क्या बच गया जी, 0। इस तरह हमारे पास 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 0 1। तो अब यहाँ पे भी दे सकते हैं कि हमारे पास जो 5 उसकी वैल्यू है वो 1 0 1 है। इसी तरह हमें 3 की वैल्यू बनानी है, तो 3 को हम क्या कहते हैं ये हमें नहीं पता। तो इन दोनों में से किन किन नंबर्स को मिलाएं तो हमारे पास 3 बन जाता है। तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो 2 के नीचे भी 1 आ जाएगा और 1 नीचे भी 1 आ जाएगा। ये शामिल नहीं हो रहा, इसके नीचे 0 आ जाएगा। 3 की वैल्यू क्या होगी, 0 डबल 1। 3 की हमारे पास वैल्यू होगी 0 डबल 1। तो आप यहाँ भी दे सकते हैं, 3 की वैल्यू हमारे पास 0 डबल 1 है। इधर हमारे पास 6 है, 6 की वैल्यू हमें नहीं पता कैसी है। तो जब हमारे ये जेन में होगा तो फिर हमें ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बगैर लिखे आपको जेन में फौरन जो है वो जैसे कोई डिजिट आएगा तो उसके बाइनरी वैल्यू भी फौरन हमारे जेन में आ जाएंगे। 6 कैसे बनेगा, 4 प्लस 2 6, 4 और 2 ऐड हो रहा है तो 6 बन रहा है। तो 4 के भी 1 आ जाएगा और 2 के नीचे भी 1 आ जाएगा। तो 1 शामिल नहीं हो रहा, इसलिए इसके नीचे 0 आ जाएगा। 6 की हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 और 0। तो 6 हमारे पास आ गया 1 1 और 0। इसी तरह जब हम कंबाइन करेंगे इसको, 2 की वैल्यू हमारे पास 0 1 0, 5 की 1 0 1, 3 की 0 डबल 1 और 6 की 1 1 0। तो आप जब कंपेयर कर लें, जो हमने आंसर पहले बनाया था अब भी ये आंसर वही वाला ही है। और हम यहाँ पे जो अलहदा से वैल्यूज बनाई हैं, यही वैल्यूज हमारे पास जो है वो यहाँ पर टेबल में दी गई है। ये मेथड जब हमें आ जाएगा तो हमारे लिए इन चीज़ों को याद करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। इसी तरह जब हमने इन बाकी वैल्यूज में से कोई वैल्यू बनानी है, फॉर एग्जाम्पल हमने 7 बनाना है, तो 7 के बाइनरी वैल्यू हमें नहीं याद क्योंकि हमें टेबल याद नहीं है। तो इसलिए 7 किन किन नंबर्स को हम इन दो तीनों में से मिलाएं तो 7 बनेगा। तो 4 प्लस 2 प्लस 1 7, तो ये 7 बनाने में तीनों नंबर ऐड हो रहे हैं, इसलिए सब के नीचे 1 1 और 1 आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 और 1। तो ये यहाँ पर दिया गया। तो इसी तरह टेबल्स की मदद से भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी फॉर्म में, और इस शॉर्टकट मेथड से भी हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये था हमारा कि हमारा रिवर्स वैल्यू ऑक्टल में है, उसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म के अंदर। इसी तरह जब हमारे पास कोई वैल्यू बाइनरी में दी गई हो, उसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक वैल्यू है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर लेते हैं, 0 0 1 1 0। तो इसमें हम करते क्या हैं, जब इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ तीन तीन वैल्यूज के पेयर बना देते हैं, तीन तीन वैल्यूज के पेयर बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये तीन होगी, एक पेयर ये हो गया, ये तीन वैल्यूज एक इनका पेयर, ये तीन वैल्यूज एक इनका पेयर, एक इन तीन वैल्यूज का, एक इन तीन वैल्यूज का, और जो हमारे पास एंड पे 2 बच गई हैं तो इसके लेफ्ट साइड पे 0 लगा के हम इनको भी 3 पूरा कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 3 पूरी पूरी आ गई तो वेल एंड गुड, अगर यहाँ पे 2 आएंगी तो 1 0 लगा के 3 पूरी कर लेंगे, और अगर यहाँ पे 1 आएगी तो 2 0 लगा के इनको 3 पूरा कर लिया जाएगा। अब इस टेबल की मदद से हम वापस जो है इन वैल्यूज को हम
उनके आंसर लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 110 किसकी वैल्यू है, 110 हमारे पास ए सिक्स की वैल्यू है। इसमें हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ जाएं या लेफ्ट से राइट की तरफ चले जाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो हमारे पास पेयर है उसका हमने उसकी जहाँ पे उसकी वैल्यू लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इधर से इस तरफ चले जाएं तो 001, यहाँ पे किसकी वैल्यू है 001, हमारे पास 1 की वैल्यू है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 011 किसकी वैल्यू है, 011 3 की वैल्यू, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 101 किसकी वैल्यू है, 101 5 की वैल्यू है, 101 ये भी 5, 011 ये 3 की वैल्यू है, और 110 ये हमारे पास 6 की वैल्यू है, बेस 8। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है बाइनरी फॉर्म में ये डेसिमल में ऑक्टल में कन्वर्ट होगी। इसी तरह ये भी तभी पॉसिबल होगा जब हम जो है इन वैल्यूज को याद रखेंगे जो टेबल में लिखी गई है। अगर टेबल में लिखी गई वैल्यूज ये जो वाली है हमें याद नहीं होगी तो हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन केस ये टेबल नहीं याद, ये टेबल याद करना मुश्किल है, तो अगेन यही मेथड हम इस पे अप्लाई करेंगे। अगर किसी भाई को नहीं याद कि 0001 को हम क्या कहते हैं, 011 को हम क्या कहते हैं, 101 को क्या कहते हैं, या जो भी 3 दिन वैल्यूज के पेयर आएंगे उनका नहीं याद उनको क्या कहते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे इस पेयर को यहाँ पे लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस पेयर की हमने वैल्यू मालूम करनी है 011 001। अब हमें ऐसे नहीं पता कि 001 को क्या कहते हैं, तो लास्ट में हमने देखा था कि जब हमें यहाँ पे वैल्यूज को बनाना होता था तो हम इन नंबर्स को ऐड करते थे, तो जो जो नंबर हमारे पास ऐड होने में शामिल होता था उसके जो हम 1 लगा देते थे और बाकी के नीचे 0, जो जो हमारे पास पेयर बनता था वही उस वैल्यू की आंसर होते थे। अब यहाँ भी हमने 1 के 1 लगाया हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 1 ही कम्बाइन हो रहा है, इसका मतलब क्या है ये 1 की ही वैल्यू है। इसी तरह हमारे पास ये 00011 हो जाएगा, 011, तो हमारे पास ये 2 और 1 शामिल हो रहे हैं क्योंकि इनके नीचे 101 लिखा हुआ है। 2 + 1 क्या होता है, ये 3, इसका मतलब क्या है 011 3 की वैल्यू है। हम यहाँ पे देख सकते हैं 011 3 की वैल्यू है। यूज केस में जो हमें ये टेबल नहीं याद, हम फर्ज करेंगे ये टेबल हमारे पास लिखा ही नहीं होगा जी। अब यहाँ पे हमने 101 वाले की वैल्यू फाइंड करनी है जी, 101, तो हमारे पास 4 और 1 शामिल हो रहे हैं, तो 4 + 1 5, इसका मतलब है कि 5 101 किसकी वैल्यू है जी, ये 5 की बाइनरी वैल्यू है। इसी तरह आगे भी 101 है इसकी भी 5 आ जाएगी। हमारे पास ये वाला पेयर बचा 011 011 1, तो हमारे पास 2 और 1 इसमें चूंकि ऐड हो रहा है क्योंकि इनके नीचे 1 और 1 लिखा हुआ है, 2 + 1 3, इसका मतलब 011 ये 3 की वैल्यू है। इस तरह 110 11 और 0, तो इनमें हमारे पास चूंकि 4 और 2 के लिए 1 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 और 2 ऐड होंगे, तो 4 + 2 6, इसका मतलब ये 110 6 की वैल्यू है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 110 ये 6 की वैल्यू है। तो इसी तरह हम इनकी वैल्यू इनकी जगह पे वो प्लेस कर देंगे तो वही आंसर जो पहले आया था वो आ जाएगा जी, 135536। इस तरह अपनी वैल्यू को बड़े ही आसानी के साथ हम जो है वो टेबल की मदद से या इस शॉर्टकट फार्मूले की मदद से हम इसको बाइनरी में या बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं जी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर समझ आया होगा। हाँ, नंबर सिस्टम निकले पहले तक के लिए अल्लाह।